मैं आपके ये जाहिर से बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन विद इन यू, जो आपके अंदर का इंसान है, वो मासूम इंसान जो अपनी बचपन की अपब्रिंगिंग की वजह से डर गया, घबरा गया, सहम गया, ये सारा कुछ जो इंसान अपने पर चढ़ा रहा होता है, इट्स एस्केपिंग फ्रॉम योर रियल सेल्फ, हु यू आर। जो लोग अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं वो ख्वाब भी बड़े देखते हैं, और उस ख्वाब को पूरे करने के लिए वो प्रीरिक्विजिट्स भी पूरे करते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये ना कि यहाँ पे रैशनल, आजाद, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ बच्चा पाला ही नहीं जाता, जब तक वो अपनी नेचुरल सोच के ऊपर अपने आप को एक्सप्लोर करके अपनी लिमिट को अंदर से निकाल के ना पहचान ले कि मैं बनाया किस लिए हूं अल्लाह की तरफ से, वो हवाले हो जाता है, तो दुनिया उसके लिए सोच रही होती है, बट ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज ओन सेल्फ। नोइंग योर सेल्फ इज द फर्स्ट थिंग। जो आदमी अपने आप को जानता नहीं है ना, वो कभी भी यूनिक मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्रिएटिव मार्केटिंग नहीं कर सकता, वो कभी भी डिजाइन में, तो ऐसे बंदे को तो डिजाइन में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आउट क्लास डिजाइन कम्स फ्रॉम अ वेरी नेचुरल हार्ट। जो बहुत ज्यादा सुपर चार्ज आजाद होता है वो ही कोई चीज बनाएगा आगे से। मगर इफ योर थिंकिंग और आपकी सोच अगर मैनिपुलेट हुई भी है डर से, खौफ से, कल्ट से, तासुबात से, कि मैं पहले ये हूं, फिर मैं मिडिल क्लास हूं, फिर मैं हाई क्लास हूं, फिर मैं पंजाबी हूं, फिर मैं महाजर हूं, फिर मैं सिंधी हूं, फिर मैं पंजाब का हूं, फिर मैं फलां का हूं, फिर मैं ढिमकान का हूं, उसके बाद यू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू टेक आउट ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज एंड ऑप्टिमिस्टिक क्रिएटिव थिंकिंग, दैट डजंट गो लाइक दैट। तो उसके लिए यू नीड टू टेक अ डिप इन योर सेल्फ, हु यू आर, आप हैं कौन, टॉक टू योर सेल्फ। बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इस दुनिया में जिन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो बात होती थी ना अपने आप से होती थी, क्योंकि एवरी डे, हर दिन यू आर चेंजिंग। इंसान जिंदगी में जब भी कोई पॉजिटिव कदम उठाता है, मैनेजमेंट की फील्ड का हो, इंजीनियरिंग का हो, अपने आप को कंस्ट्रक्ट करने की हो, या कोई बहुत बड़ी इमारत कंस्ट्रक्ट करने के लिए, द फर्स्ट नेगेटिव थिंग दैट कम्स इज फ्रॉम योर ओन सेल्फ। एंड अल्लाह सेज इन सूरह यूसुफ, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, तेरा अपना आप तुझे कभी भी अच्छी बात नहीं कर सकता। इंसान का अपना परसेप्शन हमेशा उसे स्टार्टिंग में गलीज बात ही करेगा, नापाक, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक बात। एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट, इफ यू आर इन आर्ट्स कॉलेज, यू एक्सपेक्ट टू ड्रॉ समथिंग गुड विद अ ब्रश, विद यू आर डिस्ट्रॉयड इन योरसेल्फ विद डिप्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सेस एंड सुपीरियरिटी एंड इनफीरियरिटी एंड बाइपोलर्स एंड कंफ्यूज्ड, यू एक्सपेक्ट टू टेक आउट अ क्रिएटिव थिंग आउट ऑफ योरसेल्फ, वेदर इन मार्केटिंग और इन आर्ट्स, इट डजंट मैटर, यू नीड टू बी वेरी साउंड। यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाने के लिए भी यू नीड टू थिंक वेरी पॉजिटिवली, और अच्छा आइडिया आता ही सदियों की पॉजिटिव थिंकिंग के बाद। मगर जहां हर जगह बुगज, हसद, इंटिमिडेशन, अगले से फॉरन मूव आउट हो जाना, उसने घूरी करा दी, मैं पागल हो गया हूं, वो मतलब दैट गर्ल हैजंट लुक्ड एट मी एंड आई एम ऑल डिस्ट्रॉयड, और ये बड़ी गाड़ी में आ गए, नो, लीडर्स आर नॉट लाइक दैट। यू नीड टू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिकग्निशन। मैं हूं, अल्लाह का बनाया हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल, और वैसे भी किसी का गुलाम नहीं हूँ, और मेरा एक थिंकिंग का फ्रीडम है, इररिस्पेक्टिव अगला मेरे बारे में जो भी सोचता हूँ। यू नीड टू बी सैटिस्फाइड विद योरसेल्फ एंड यू आर नॉट अ लूजर, नॉट एट ऑल अ लूजर। सो ये सब स्टार्ट होगा जब आप बैठेंगे इस थोड़ी सी मस्तियों से बाहर निकल के, स्टार्ट बीइंग अ लिटिल डीप, प्रोफाउंड, एंड आई डेफिनेटली टेल यू, देन योर माइंड वुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल, एंड देन दैट इज यू बिकम अ गुड सेलर। तो जब आप जिंदगी में कुछ पॉजिटिव करने चाहेंगे ना, द फर्स्ट थिंग दैट वुड टेल यू इज कि ये गलत कर रहे हो तुम, इज योर ओन सेल्फ। और बहुत से लोग इसलिए आज एक सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाए, और शायद आप बन जाएंगे और आप जरूर बनेंगे इंशाल्लाह ताला, इट्स बिकॉज वो अपने आप से झूठ बोलते हैं, और उनका उनका अपना आप भी उनसे झूठ बोलता है। यू एंड मी बोथ आर गोना ग्रो ओल्ड वन डे, सब बूढ़े हो जाते हैं, यू नो व्हेन यू सिटिंग ऑन दैट काउच एंड देयर इज नोबडी अराउंड, ये हुस्न, ये जमाल, ये कमाल एक टाइम पर साथ छोड़ जाएगा। यू नो व्हाट यू रियली लव एट दैट एज, उस उम्र के अंदर आदमी अपनी 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 मेमोरीज लेके जाता है सिर्फ, कि आई हैड माई एज एंड आई डिड दिस, ड्रीम्स, विजन्स। बट ये सब नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को डिस्कवर नहीं करेंगे, आप अपनी लिमिट को डिस्कवर नहीं करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर नहीं करेंगे, आप अपनी वीकनेसेस को डिस्कवर नहीं करेंगे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू मेक एन आईफिल टावर, हाउ डू एक्सपेक्ट टू मेक द ट्विन टावर्स इन, इफ यू कांट बिल्ड योर हार्ट, हाउ आर यू गोना कंस्ट्रक्ट अ बिग कंपनी, लीड अ ब्यूटिफुल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। इवन इफ यू लूज फिजिकली, योर इनर सुकून मैटर्स अ लॉट। और इस सारे के अंदर, इंसान की तामीर के अंदर, उसकी मेंटल परसेप्शन कंस्ट्रक्शन के अंदर अल्लाह का कितना रोल प्ले है, योर कनेक्टिविटी विद अ सुपर नेचुरल बीइंग, मतलब आधी आधी उम्रें गुजर चुके हैं अगर, इफ आई आस्क यू हाउ मच डू यू नो गॉड, बिकॉज उसके हेल्प के बगैर आप कर नहीं सकेंगे। बाय द वे, फैज़ा अज़म था फतवक्कल अल्लाह, अज़म कर लिए, इरादा कर लिए तो अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, मगर उस अज़म को ऊंट बांधने को फिर अल्लाह पे तवक्कुल करने से पहले बात वही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। प्रॉफिट सल्लम सेज, इन्ना फिल जसद मुज़गा, के ये जो दिल है ना, दिल, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु, ये एक बार खराब हो जाए तो ये पूरे जिस्म को खराब कर देता है। एंड इफ द हार्ट इज राइट, अगर दिल ठीक हो तो ये इंसान का जिस्म भी ठीक कर देता है। एंड द हार्ट इज द थिंकिंग बॉक्स, यहाँ से आदमी सोचता है, इसी में इंसान के जज्बात हैं, गुस्सा है, गजब है, इश्क है, मोहब्बत है, उम्मीद है,
इसी के अंदर इंसान का गम है, इसी में इंसान की खुशी है. इट्स ऑल अबाउट द हार्ट. नाउ द थिंग इज, अक्सर लोग जो अपनी लाइफ के लिए जो करियर डिसाइड करते हैं ना, वो एक नेचुरल, सच्चे, ईमानदार, रिफ्लेक्टिंग दिल से निकला हुआ करियर नहीं होता. इसलिए आप लोगों को देखें, वो जॉब्स तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं दुनिया में, मगर दे लैक द पैशन. और अक्सर लोग अपने काम से ना इश्क नहीं करते, वो जुनून की हद तक पैशन और मोहब्बत नहीं होती. क्यों? बिकॉज दे आर डॉक्टर्स बिकॉज लोग चाहते थे वो डॉक्टर बन जाए. दे आर गोइंग टू बी मैनेजर्स बिकॉज लोग चाहते थे वो बीबीए कर ले. दे आर इंजीनियर्स बिकॉज लोग चाहते थे वो सिविल इलेक्ट्रॉनिकल. उसने ही नेवर फॉलोड हिज हार्ट, दिल ही नहीं था उसका. क्योंकि आगे की जो आपकी लाइफ की प्रोग्रेस है, करियर बेस या आपकी प्रोफेशनल बेस या सोशल बेस, इट्स ऑल ऑन योर हार्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर देयर. But if you're not strong there, you're going to fall down. And it's not wrong in falling down, as long as you keep coming back. Certainty, conviction, persistence, patience, sabr, yakeen. Yeh cheeze hain jo aage aapka resource hongi zindagi mein apne khwab poore karne ke. Aur yeh tab tak nahi ho sakti jab tak ke bahut zyada mental exercises hum na karein. Aur yeh tab tak nahi ho sakta jab tak hum apne aap ke andar dip nahi lenge. Knowing ourselves ke main kaun hu. Complexes, arrogance, jealousy. Yeh toh ek kamzor aadmi ki nishani hai. Takabbur. Why would somebody be arrogant on something? अगर आपके पास एक चीज है तो अल्लाह ने दिया आपको. तो ये एरोगेंस, जेलेसी, हसद, बुगस, सारे विजन्स के पीछे ये चल रहा होता है. नेचर नहीं चल रही होती इंसान का, नेचुरल डिस्पोजिशन नहीं होता. इससे बाहर निकलने के लिए आपको लोगों की इबादतों से बाहर निकलना पड़ेगा. यू नीड टू कम आउट ऑफ द पीपल्स वर्शिप एंड यू नीड टू बी वेरी जेन्युइन विद योरसेल्फ. जेन्युइन हो अपने साथ, एक्सेप्ट करें अगले को, कोई मसला नहीं, वो ऐसा ठीक है, आई एम फाइन विद इट, आई एम कूल. ये सारी चीजों के बाद एक एक प्यारी खूबसूरत मखलूक बनती है एंड दैट कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए बहुत कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ. और उसके लिए सबसे बड़ा रिसोर्स आपका अपना आप होता है. एक इंसान ही पहले खुद कॉरपोरेट होती है, खुद मार्केटिंग हाउस होता है, खुद ही वही होता है, सब कुछ वही, एचआर भी वही होता है. ही इज एवरीथिंग फर्स्ट एंड देन लोग जुड़ते हैं. यू फाइंड द राइट पीपल. द फर्स्ट वॉक टू वॉक टूवर्ड सक्सेस इज द वॉक अलोन. इट्स द हार्डेस्ट वॉक हैज बीन द वॉक अलोन. अकेला ही चलता है आदमी और फिर कारवा बनता है और फिर वो बड़ी बड़ी चीजें खड़ी करता है. एंड दैट इज द ब्यूटीफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ लाइफ. मैंने आई डिड समथिंग बाय द हेल्प ऑफ अल्लाह सुभान व तआला.